हेलो गाइस, वेलकम। दिस इज महावीर एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग तक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है वो क्लियर करने वाला हूँ। आपने नाम सुना होगा जरंड और पार्टिसिपल वर्ब, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है? ये इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, आप लास्ट तक जरूर देना। सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टूडेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो स्पोकन के लिए प्रिपेयर हो रहा हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? टॉपिक है अपना जरंड वर्सेस पार्टिसिपल। जरंड वर्ब होती है या पार्टिसिपल वर्ब होती है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों की दोनों वर्ब सेम होती है। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, किसमें? जरंड वर्ब में। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किसमें होता है? पार्टिसिपल में। अब दोनों क्या है? सेम है, लेकिन इन दोनों को सेंटेंस के अंदर हम कैसे पता करें कि ये जरंड है और ये पार्टिसिपल है, इसका ट्रिक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, जरंड जो वर्ब होती है V1 प्लस ING, तो उसको हम वर्बल नाउन बोल सकते हैं, ठीक है? और पार्टिसिपल जो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होती है, उसको हम वर्बल एडजेक्टिव बोल सकते हैं। अब देखिए कि ट्रिक क्या है, जरंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस में एज ए जरंड है या एज ए पार्टिसिपल है, ठीक है? यहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका V1 प्लस ING है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वाला है, तो वहां आप क्या जानोगे कि वो जरंड वर्ब है। कैसे? टीचिंग इज माई पैशन। अब यहां पे देखिए, टीचिंग जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है। टीचिंग इज माई पैशन, टीचिंग मेरा पैशन है, शौक है। टीचिंग इज माई पैशन या टीचिंग जो है ये क्या है? एक जरंड वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में जब आईएनजी आए तो आप क्या जानोगे कि वो जरंड वर्ब है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आईएनजी आए तब भी वो क्या होगा? जरंड होगा। ऑब्जेक्ट में आपको वर्ब के साथ आईएनजी मिले तो वो भी क्या होगा? जरंड वर्ब होगा। आई लाइक टीचिंग। अब यहां पे जो टीचिंग है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। देखो, लाइक क्या है? मेन वर्ब है, और इसके आगे ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां भी ये टीचिंग क्या है? ये जरंड वर्ब है, ठीक है? दो ट्रिक हो गए। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है और उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी है, तो वो भी जरंड वर्ब होगा। कैसे? देखो, पहले आप ये जान लो पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माई, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये क्या होते हैं? ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है? इनके साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो तो वहां भी क्या होगा? जरंड वर्ब होगा। ही डजंट लाइक स्मोकिंग। ही डजंट लाइक, यहां पे आप पजेसिव एडजेक्टिव लगा दीजिए माई। ही डजंट लाइक माई स्मोकिंग, वो मेरा धूम्रपान पसंद नहीं करता है, ठीक है? यहां पे जो माई स्मोकिंग है ये क्या है? पजेसिव है। माई पजेसिव है और स्मोकिंग क्या है? जरंड वर्ब है। इसी तरह हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। ही डजंट लाइक माई ड्राइविंग। ही डजंट लाइक माई ड्राइविंग, वो मेरी ड्राइविंग पसंद नहीं करता है, ठीक है? गाड़ी चलाना मेरा पसंद नहीं करता है। तो यहां माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, इसके साथ में ये ड्राइविंग आया है, ये क्या है? जरंड वर्ब है। तो ये तीन ट्रिक है आपको पहचानना है कि जरंड है या फिर पार्टिसिपल है। अब इसके अलावा आपको पार्टिसिपल का कैसे पता चलेगा वो हम देख लेते हैं। चलेगा पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम बोल सकते हैं वर्बल एडजेक्टिव। इसका पता कैसे चलेगा? जरंड वाला जो ट्रिक है वो आप दिमाग में रखना, ठीक है? इसके बाद में बिफोर नाउन, नाउन से पहले देखो, यहां ए रनिंग बॉय वॉज फॉलन, ए रनिंग बॉय। अब यहां पे देखिए नाउन क्या है अपने पास में, यहां पे नाउन है बॉय, ठीक है? इससे पहले ये क्या है? पार्टिसिपल है, क्योंकि रनिंग आईएनजी लगा हुआ रन में, ठीक है? तो यहां पे क्या करना है आपको, ये जो है ये पार्टिसिपल फॉर्म है। नेक्स्ट, असाइनिंग कार इज रनिंग। अब यहां कार क्या है? एक नाउन है। तो नाउन से पहले क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है,
क्योंकि एडजेक्टिव है वो नाउन प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है। तो ठीक है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव या फिर वर्बल एडजेक्टिव पार्टिसिपल हो सकता है। ए साइनिंग, साइन के साथ क्या लगा है, आईएनजी, तो साइनिंग कार इज रनिंग या साइनिंग जो है वो क्या है, पार्टिसिपल है। इस तरह से आप पार्टिसिपल और जरन के बीच में डिफरेंस है वो पता कर सकते हैं। यहां पर ये जो रनिंग है ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब। ए साइनिंग कार इज रनिंग का मतलब है एक चमचमाती गाड़ी दौड़ रही है, ठीक है। और यह है ए रनिंग बॉय वॉज फॉलन, एक दौड़ता हुआ लड़का गिर गया, ठीक है। तो यहां पे फॉलन और यहां रनिंग क्या है, मेन वर्ब है, और यहां पे साइनिंग और रनिंग क्या है, पार्टिसिपल है। तो इस तरह से जरन और पार्टिसिपल का डिफरेंस है वो आसानी से आप पता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।